उस दिन की, उस रात की, उस वक्त की, उस पहर की चर्चा करते हैं जिस दिन, जिस रात, जिस पहर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, पाकिस्तान को यह बता दिया था कि अब पहले जैसा हिंदुस्तान नहीं है, तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तुम एक बार घुसपैठ कराओगे तो हम सीना चौड़ा करके तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। जी हां, बात उन्होंने की आखिर में सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर। बात करते हुए पीएम ने देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक इतिहास का भी जिक्र किया और किसी भी देश की संप्रभुता पर भारत की अतिक्रमण न करने वाली सोच को लोगों के बीच रखा भी। किसी भी युग में भारत ने किसी की भी जमीन हड़पने का प्रयास नहीं किया है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हमें किसी की एक इंच भी जमीन नहीं लेनी थी, न हमें हमारे लिए लड़ना था, लेकिन हिंदुस्तान के 1.5 लाख सिपाहियों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहादत मोल ली थी। ये बहुत बड़ा बलिदान था। आज भी यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है, उस पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला कोई देश जो है, उसमें एक गौरवपूर्ण रूप से हिंदुस्तान का नाम दिया जाता है जब हिंदुस्तान के लोग पीस कीपिंग फोर्स में जाकर के दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं देते हैं। तो भारत का चरित्र अजय रहने का है, विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। और ये तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है लंका छोड़ते समय, तब भी उस सिद्धांतों को हमने देखा है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे, तो पीछे से भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे और वो जोश, वो उत्साह भर गया जो एक हर हिंदुस्तानी के भीतर भरना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो या किसी भी आइडियोलॉजी का हो। अगर वो हिंदुस्तानी है तो फिर उसको हिंदुस्तानी की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की बात कर रहे थे कि अगर हिंदुस्तान के साथ ऐसा होगा तो वह ऐसा करेंगे।